जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका के पहले चैप्टर भोजस से औदार्यम का पूरा हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। एक एक शब्द का अर्थ सीधा आपके दिमाग में जाएगा, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेकर के मीनिंग्स को लिखते जाइएगा, अन्यथा आपको रिविजन करते टाइम दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, भोजस से औदार्यम का मतलब है राजा भोज की उदारता, ठीक है ना। अब राजा भोज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। राजा भोज जो थे बहुत बड़े दानी राजा थे, ठीक है ना, और कवियों को बहुत महत्व तो देते थे, यानी इनके दरबार में बहुत से कवि रहते थे जिनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर के ये कवियों को बहुत ज़्यादा दान दिया करते थे, लाख लाख दो दो दस दस लाख रुपए दान दिया करते थे, ठीक है ना। तो उनकी दान वीरता का इसी चैप्टर में वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, राजा भोज के दरबार में सभा लगी हुई है, सभी कवि लोग आपस में बैठे हुए हैं, चर्चाएं हो रही हैं। ततः माने तभी कह लो या इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद कदाचित माने कोई, द्वारपाल आगत्य माने आया, ठीक है ना। तभी एक द्वारपाल आया, कोई भी दो द्वारपाल में से कोई भी द्वारपाल आया, और महाराजम भोजम माने महाराज भोज से प्राह माने बोला। क्या बोला महाराज भोज से, क्या बोला कि देव, हे देव, कौपीना अवशेषो, कौपीना अवशेषो माने कौपीन, कौपीन माने लंगोट, अवशेष माने बची हुई है, विद्वान माने विद्वान के, द्वारी माने दरवाजे में वर्तते माने आया हुआ है। यानी ऐसा विद्वान, ध्यान से देखिएगा, ऐसा विद्वान जिसके शरीर में केवल लंगोटी ही अवशेष है, यानी लंगोटी के अलावा वो कोई भी वस्त्र धारण किए हुए नहीं है। यानी वो कहता है, द्वारपाल जो आया महाराजा भोज से क्या कहता है कि हे देव, यानी हे महाराज, एक ऐसा विद्वान जिसके शरीर में केवल लंगोटी ही शेष है, वह द्वार में आया हुआ है, ठीक है ना। इति माने ऐसा, तभी वर्तते माने है, ठीक है ना। तभी राजा, राजा क्या बोलते हैं, प्रवेशय, प्रवेशय माने प्रवेश कराओ अर्थात अंदर ले आओ। इति माने ऐसा, प्राह माने बोले, ठीक है ना। राजा प्राह माने बोले कि प्रवेशय यानी प्रवेश कराओ, उसको अंदर लाओ, ठीक है ना। ततः माने तभी, प्रविष्टा माने प्रविष्ट होकर के यानी प्रवेश करके, तभी द्वारपाल गया और उसको प्रवेश कराया अंदर। तो वो जो आया ना, वो कवि था, वो जो विद्वान था जिसने केवल लंगोट धारण किए हुए था, वो एक कवि था, ठीक है ना। तो तभी, ततः माने तभी, प्रविष्टा माने प्रवेश करके, सह माने वह, कवि माने कवि, भोजम माने भोज को, आलोक के माने देख करके, ठीक है ना। यहाँ पे दो शब्द है, भोजम आलोक के, तो भोजम माने भोज को, आलोक के माने देख करके। तभी प्रवेश करते ही वो जो कवि था ना, जो विद्वान था ना, उसने राजा भोज को देख करके क्या बोला कि अद्य, अद्य माने आज, अद्य माने आज, मैं माने मेरी, दारिद्र्य माने दरिद्रता का, नासो माने नाश, भविष्यति माने हो जाएगा। और यहाँ पे दो शब्द है, एक भविष्यति, दूसरा इति, ठीक है ना। इति माने ऐसा, ठीक है ना। यानी वो अंदर घुसते ही, तथा माने इसके बाद, प्रविष्टा माने प्रवेश करते ही, सह माने वह, कवि माने कवि, भोज को देख करके क्या बोलता है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश, भविष्यति माने हो जाएगा। इति मत्वा माने ऐसा मान करके, तुष्टो माने संतुष्ट हुआ, और हर्ष, हर्ष माने प्रसन्नता के, अश्रुणी माने आंसुओं को, मुमोच माने गिराने लगा, यानी उसके नेत्र से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे, ठीक है। ऐसा कहते ही तभी राजा तम आलोक के माने उसको देख करके, प्राह माने बोले। तभी राजा भोज उसको देख करके क्या बोलते हैं कि कबे, कि हे कवि, कबे माने हे कवि, किम रोदिसी, क्यों रोते हो, ठीक है ना। क्यों, किम माने क्यों, रोदिसी माने रोते हो, इति माने ऐसा। तभी राजा भोज कहते हैं कि हे कवि, क्यों रोते हो। ततः, ततः माने इसके बाद, कवि राह माने कवि बोलता है, इसके बाद कवि क्या बोलता है कि हे राजन, यानी हे राजा भोज, आकर्णय, आकर्णय माने सुनिए, मद माने मेरे, गृह माने घर की, स्थिति माने स्थिति के बारे में, यानी कहता है कि हे राजा, आप मेरे घर की स्थिति के बारे में थोड़ा सुन लीजिए, यानी अपने घर की स्थिति को वो बताने लगा। तो घर की स्थिति वो श्लोक के माध्यम से बताता है, अये लाजानुच्चैः पथि वचनम् आकर्णम् गृहिणी, शिशोः करणौ यत्नात् सुपिहिवती, सुपिहितवती दीनवदना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, कहते हैं कि मेरी गृहिणी जो है, यहाँ से पहले, यहाँ से दीनवदना को पहले जोड़ लो, ठीक है ना। दीनवदना माने मलिन मुख वाली, दीनवदना माने मलिन मुख वाली गृहिणी जो है, यानी मेरी पत्नी जो है, तो वो ब्राह्मण जो है, या कह लो वो कवि जो है ना, राजा से क्या बताता है कि हे राजन, मेरी मलिन मुख वाली पत्नी जो है ना, वो अरे, अरे माने अरे, लाजा, लाजा माने लावा, लावा क्या होता है, लाई, आप लोग जानते हैं, खाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि अरे लाई ले लो, अरे लाजा का मतलब क्या है, अरे लाई ले लो। उच्चैः माने ऊँचे, पथि, पथि माने पथिक के, या राहगीर के, या बेचने वाले के, ठीक है ना,
पथिक या राहगीर, जैसे आप लोग देखते हैं आजकल कोई बेचने आता है, ठीक है ना, तो क्या कहेगा, ये ले लो वो ले लो, ठीक है ना। यानी ऐसे ही वो तेज स्वर से चिल्लाते हैं। तो ऐसे ही ये जो मेरी मलिन मुख वाली पत्नी है ना, जब वचनम माने वचन को आकर्ण माने सुनती है ना, यानी किसी बेचने वाले पथिक के वचनों को जब वो सुनती है ना कि अरे लावा ले लो, अब लावा की जगह पे कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो कवि जो है ना राजा भोज को लावा के एग्जाम्पल से समझाते हैं। क्या कहते हैं कि मेरी मलिन मुख वाली पत्नी जो है ना, जब किसी बेचने वाले पथिक के, बेचने वाले पथिक के अरे लावा ले लो ऐसे ऊंचे वचनों को सुनती है ना, वचनम माने वचनों को, उच्चैः माने ऊंचे, आकर्ण्यम माने सुनती है ना, तो शिशौः माने दोनों बच्चों के, शिशौः माने दोनों बच्चों के, करणौ माने कानों को, यत्नात माने यत्न पूर्वक, सुपिहितवती माने बंद कर लेती है, ठीक है ना। तो मेरे मलिन मुख वाली पत्नी जो है ना, मेरे पुत्रों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर लेती है। अब कानों को क्यों बंद कर लेती है, क्योंकि देखिए बच्चे क्या होते हैं, कोई भी चीज़ अगर बिक रही है और बच्चे देख लिए तो वो माता से जिद करने लगते हैं कि नहीं अम्मा मुझको ये चीज़ चाहिए, मुझे खाना है, ये है वो है, रोने लगते हैं, तो माता को मजबूरन वो चीज़ दिलानी पड़ती है। इसीलिए उनके घर में इतनी दरिद्रता है, इतने पैसे नहीं है कि पुत्रों की ज़रूरतों या बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसलिए जो मेरी मलिन मुख वाली पत्नी है ना, जैसे ही किसी बेचने वाले पथिक के अरे लावा ले लो ऐसे ऊंचे स्वर वाले वचनों को सुनती है ना, तो ऐसे वचनों को आकर्ण माने सुन करके मेरे शिष्यों को या कह लो मेरे बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर लेती है, ठीक है। तो मई छीड़ो पाए, और मई माने मैं, छीड़ो पाए माने उपायहीन, छीड़ माने हीन, उपाय उपाय माने उपाय तरीका, और मैं उपायहीन हो करके यद कृतम यानी क्या कर सकता हूँ, यानी मैं उपायहीन होकर के क्या कर सकता हूँ, और दृशाओ बहु श्रवले यानी देखिए दृशाओ अश्रु बहुले यानी मेरे नेत्रों में अश्रु माने आंसू, बहुले माने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और उस दृश्य को देख करके, दृशाओ माने उस दृश्य को देख करके, अश्रु माने आंसू, बहुले माने बहुत ज़्यादा, यानी मेरे नेत्रों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। तदंतः माने तभी ये जो बात होती है ना, तभी ये जो बात है कि मैं पुत्रों के, मेरी पत्नी जो है पुत्रों के कानों को बंद कर लेती है कि कहीं पुत्र सुन करके जिद ना करने लगे किसी चीज़ को लेने के लिए, तभी ये बात जो है ना मुझे तद अंतः, अंतः माने आंतरिक मन को, यानी मेरे मन को अंदर से बहुत बेधती है, बहुत पीड़ा पहुँचाती है। मैं माने मेरे, अंतः माने आंतरिक मन को, संयम माने पीड़ा पहुँचाती है, यानी मेरे मन को एक तीर की तरह लगती है, मेरे मन में एक कांटे की तरह चुभ जाती है। और त्वमसि माने तुम ही हो, कहते हैं कि हे राजन तुम ही हो, पुनः माने दोबारा, उद्धर तुम माने उद्धार करने के लिए, उचिता माने उचित हो, दो शब्द हैं, तीन शब्द हैं, पुनः उद्धर तुम उचिता यानी आप ही हो जो मेरा दोबारा उद्धार करने के लिए उचित हो, यानी आप ही ऐसे हो जो मेरा उद्धार कर सकते हो, यानी आप ही ऐसे हो जो मेरे हृदय में बेधने वाले इस पीड़ा को आप निकाल सकते हो मेरे हृदय से, और इस पीड़ा को निकाल करके बाहर फेंक सकते हो, यानी आप ही मेरा कल्याण कर सकते हो। तो उनके इस श्लोक की ऐसी रचना सुन करके ना, राजा भोज के बारे में मैंने पहले ही बताया कि राजा भोज जो थे रचनाओं से बहुत प्रेम करते थे, तो उनके इस बताने के तरीके को देख करके कि उस कवि ने इतना आसान तरीके से, कि राजा भोज प्रसन्न हो गए, ठीक है ना। तो राजा भोज प्रसन्न हो गए, तो राजा शिव शिव, शिव शिव का मतलब शाबाश शाबाश, ठीक है ना। तो राजा क्या कहते हैं, शाबाश शाबाश, इति माने ऐसा, उदीरियन माने कहते कहते, यानी ऐसा कहते हुए, प्रत्यक्षरम यानी प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम माने लाख यानी प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपए दत्वा माने दे करके प्राह माने बोले, यानी कि एक, हर एक अक्षर पर 1,00,000 रुपए, यानी इस श्लोक जो वो बोला कवि ना, उस कवि के प्रत्येक श्लोक में हर एक अक्षर पर 1,00,000 रुपए राजा ने दिया, ये थे राजा भोज, ठीक है ना। और हर अक्षर पर 1,00,000 रुपए दे करके प्राह माने बोले, क्या बोले, त्वरितम माने तुरंत, गच्छ माने जाओगे, हम माने घर, यानी तुरंत घर जाओ, त्वद ग्रहिणी माने तुम्हारी पत्नी खिन्ना माने दुखी वर्तते माने है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी दुखी होगी, तुम तुरंत घर जाओ, ठीक है। अब देखिए पहली दानशीलता तो उनकी आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है ना, यानी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि राजा भोज कितने बड़े दानी थे। अब देखिए दूसरी घटना, यानी दूसरी उनके दानवीरता के बारे में, अब यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है। अब देखिए अन्यदा माने अन्य दिन, यानी किसी दूसरे दिन की बात है, ठीक है ना।
भोजा माने राजा, भोज श्री महेश्वरम यानी शंकर जी के, शंकर जी को नमितुम माने नमस्कार करने के लिए, कह लो शंकर जी के दर्शन करने के लिए, शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालयम अभ्यगच्छत यानी शिव जी के मंदिर गए थे। ठीक है ना, शिव जी के मंदिर गए थे राजा भोज जो थे, शंकर जी को नमस्कार करने के लिए शिव जी के मंदिर गए थे। तदा माने तभी, कोपी माने कोई ब्राह्मण, तभी वहाँ पर उस मंदिर के सामने कोई ब्राह्मण जो है ना, राजानम माने राजा भोज को शिव के सम्मुख देख करके, यानी राजा भोज को शिव जी के मंदिर के सामने देख करके वो ब्राह्मण प्राह माने बोला, शिव सन्निधव माने शिव जी के मंदिर के सामने, ठीक है ना, यानी शिव जी के सामने देख करके वो ब्राह्मण राजा से क्या बोला, हे देव, हे महाराज, राजा से क्या बोला, हे महाराज, अर्ध दान वर दानव वैरिड़ा, अर्ध माने आधा, दानव वैरिड़ा, दानव वैरिड़ा माने दानवों, दानवों माने राक्षसों के बैरी, दानव वैरिड़ा माने राक्षसों के बैरी अर्थात राक्षसों के दुश्मन यानी विष्णु भगवान। ठीक है, राक्षसों का दुश्मन किसको कहा जाता है, विष्णु भगवान को। तो यहाँ पे वो ब्राह्मण श्लोक के माध्यम से राजा भोज से क्या कहता है कि हे महाराजा, हे देव, कि आधा राक्षसों के शत्रु यानी विष्णु भगवान, ठीक है, और गिरजया अपि अर्ध, गिरजया अपि अर्ध, गिरजा किसको कहा जाता है, पार्वती जी को, ठीक है ना, गिरजा किसको कहा जाता है, पार्वती जी को, और अपि, अपि माने भी, पार्वती भी अर्ध माने आधा, यानी पार्वती जी ने भी आधा शिवस्य माने शिव जी का, अप शिवस्य आहृतम, आहृतम माने हरण कर लिया, यानी कि शिव जी को, शिव जी के शरीर का जो आधा हिस्सा था वो विष्णु भगवान ले लिए और जो आधा हिस्सा था वो पार्वती जी ने ले लिया। ठीक है, पूरा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कहते हैं देव माने हे राजन, देव माने हे राजन, इत्थम माने इस प्रकार से, इत्थम माने इस प्रकार से, जगती तले, जगती तले, जगती माने पृथ्वी, तले माने तल में, यानी इस प्रकार पृथ्वी तल पर पुरहरा भावे, पुरहर अभावे, पुरहर अभावे, पुरहर किसको कहा जाता है, शिव जी को, यानी इस तरीके से पृथ्वी के तल पर पुरहर यानी शिव जी का अभाव समुन्मीलती यानी प्रत्येक जगह झलकने लगा, यानी शिव जी का अभाव यानी शंकर जी की कमी सभी जगह महसूस होने लगी। ठीक है, और गंगा, देखिए अब शिव जी के आधे हिस्से को तो ले लिया पार्वती जी ने, वो ब्राह्मण बता रहा है राजा भोज जी से, ठीक है, और आधे हिस्से को दानव की बैरी अर्थात विष्णु भगवान ने ले लिया। ठीक है, अब उनके सिर में जो गंगा जी हैं और जो चंद्रमा है वो कहाँ गए, नाग जो हैं वो कहाँ गए, तो उनके बारे में भी बताता है, कहता है कि जो गंगा है उनके सिर पर ना वो समुद्र में मिल गई, सागर में मिल गई, और जो शशिकला है यानी जो चंद्रमा की कलाएं हैं, शशिकला माने जो चंद्रमा की कलाएं हैं वो कहाँ चली गई, अंबरम, अंबरम माने आकाश में चली गई, चंद्रमा की कलाएं जो हैं वो आकाश में चली गई, और नाग अधिपा, नाग अधिप माने राजा होता है और नाग माने नाग, और जो नागों के राजा जो कि इनके, उनके गर्दन में लिपटे रहते हैं, यानी जो नागों के राजा यानी जो शेष नाग उनके गर्दन में लिपटे रहते हैं ना, वो क्षमातलम, क्षमातलम माने धरती के नीचे चले गए, क्षमा किसको कहा जाता है, धरती को, और तलम माने नीचे, यानी जो शेष नाग उनके सिर पर लपटे हुए थे वो धरती के नीचे चले गए। ठीक है, उसके बाद सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्व मगतम, अब यहाँ पे कहते हैं कि उनके शरीर में, शिव जी के शरीर में जो सर्वज्ञानी होने का गुण था, सर्वगत्य, सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञत्व माने जिसको सब चीज़ पता हो, ठीक है ना, सर्वज्ञत्व माने जिसको सब चीज़ पता हो, और जो शंकर जी के अंदर सब चीज़ जानने का जो गुण था, सर्वज्ञत्व था, वो ईश्वरत्व, और उनके शरीर की जो ईश्वरता थी, ईश्वरता यानी भगवान के गुण जो उनके अंदर थे, ईश्वरता थी, संधि विच्छेद करो, सर्वज्ञत्व और अधीश्वरत्व यानी ईश्वरता का गुण और जो सब कुछ जानने का गुण था वो अगमत माने चला गया, त्वाम माने आपके पास, किसके पास, राजा भोज के पास, यानी प्रशंसा किया राजा भोज की, किस लिए, उनसे पैसे लेने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए। ठीक है, कहता है कि शिव जी के ऊपर जो गंगा थी वो समुद्र में मिल गई, जो चंद्रमा था वो आकाश में चला गया, जो नाग थे वो धरती के नीचे चले गए, और जो उनके अंदर सब कुछ जानने का गुण और जो ईश्वरता का गुण अर्थात भगवान के जैसे गुण जो था वो आपके पास चला गया, हे राजन आपके पास चला गया, और मेरे पास, माम माने मेरे पास, माँ तू, मेरे पास तो भिक्षाटनम आ गया, यानी भिक्षा मांगने का गुण, यानी शिव जी के अंदर जो वो भिखारी की तरह भेष बनाए रहते थे ना वो गुण, हे राजन वो मेरे अंदर आ गया, और इसीलिए मैं आज भी भीख मांग रहा हूँ, वो ब्राह्मण ऐसे बोला। ठीक है,
तो अब उसके वचनों को सुन करके अब राजा भोज क्या करते हैं आगे देखिएगा। देखिए राजा तुष्टा, तुष्टा माने प्रसन्न होकर के, तस्मय माने उसको भी प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 दे दिया, यानी हर एक उसके श्लोक के हर एक अक्षर पर उसको 1,00,000 पुरस्कार राजा भोज ने दिया। ठीक है, ये हुई उनकी दूसरी दान वीरता की कहानी। अब तीसरी दान वीरता की कहानी यहाँ से शुरू होती है। देखिए देखिए अन्यदा माने अगले दिन की बात है। राजा भोज जो थे सम उपस्थिताम माने पास उपस्थित, यानी सभा में फिर बैठे हुए थे। तो राजा भोज अपनी सभा में उपस्थित सीता से क्या बोलते हैं? अब देखिए ये रामायण वाली सीता नहीं है, ध्यान देना। ये सीता कौन है? ये राजा भोज के दरबार में उपस्थित एक विद्वती या कह लो विदुषी स्त्री थी। क्या थी? विदुषी स्त्री थी, यानी बहुत ज़्यादा इनके अंदर नॉलेज था। ठीक है, तो उनसे अपने पास उपस्थित सीता से राजा भोज क्या बोलते हैं कि हे देवी प्रभातम वर्णय, अर्थात सवेरे का वर्णन करो, यानी जो सुबह हो रही है इसका आप वर्णन करो, किस तरीके से आप इस सुबह का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो सीता प्राह यानी सीता बोलती है। अब सीता सुबह का वर्णन कर रही है, सुबह के नज़ारे का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं कि विरल बिरलाह माने विरल विरल हो गए, यानी यहाँ वहाँ हो गए। विरल बिरलाह माने यहाँ वहाँ हो गए, बहुत विरल हो गए, अर्थात दूर दूर हो गए। स्थूल ताराह, स्थूल माने बड़े बड़े तारा जो थे पहले, यानी अभी तक रात्रि में जो बड़े बड़े तारे थे, स्थूल माने मोटे मोटे बड़े बड़े, ताराह माने तारा, यानी जो अभी तक सारी रात्रि में बड़े बड़े तारा थे ना, वो विरल विरल हो गए। जैसे ही सवेरा होने लगा वो सभी तारे यहाँ वहाँ हो गए। कला, कला माने कलयुग के, युग माने समान, यानी कलयुग में सज्जनों के समान, कलयुग में सज्जनों के समान। यहाँ पे देखिएगा कलाव और युग दो शब्द छिपे हुए हैं। ठीक है ना, यानी कलाव से कलयुग हो गया और युग माने समान, सज्जना माने सज्जनों के, यानी कलयुग में जैसे सज्जन लोग यानी अच्छे लोग जैसे दूर दूर हो गए हैं, कलयुग में अगर आप सज्जन ढूंढेंगे तो बहुत कम ही पाएंगे, दुर्जन ज़्यादा पाएंगे। यानी कहते हैं कि जिस तरीके से कलयुग में सज्जन यहाँ वहाँ हो गए हैं, वैसे ही ये जो रात्रि में बड़े बड़े तारा थे ना, वो बिरल बिरल हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं, सुबेरा होते ही। ठीक है, उसके बाद कहते हैं मन इव मुने है। ठीक है ना, और मुनि के मन के समान, इव माने समान, ध्यान देना इव का मतलब क्या होता है? समान या जैसे। ठीक है ना, यानी मुनियों के मन के समान सर्वत्र माने सभी जगह प्रसन्न हो गया है भू माने धरती, नभ माने आकाश, यानी ये धरती और आकाश जो है मुनियों के मन की तरह क्या हो गया है? प्रसन्न हो गया है। ठीक है ना, प्रसन्नम माने प्रसन्न हो गया है, सर्वत्र माने सभी जगह, यानी मुनियों के मन की तरह, जिस तरीके से मुनियों का मन प्रसन्न होता है, हमेशा साफ सुथरा होता है, ठीक है, वैसे ही ये जो धरती और आकाश है ना, प्रसन्न हो गया है। और ध्वांतम माने अंधकार, च माने और, ठीक है, च माने और, ये अंधकार जो है ना अपसरत माने दूर हो रहा है, अंधकार उसी तरीके से दूर हो रहा है, इव यहाँ पे छिपा हुआ है, इव माने जैसे, अंधकार उस तरीके से दूर हो रहा है जैसे दुर्जन व्यक्तियों के चित्तम माने मन से, ठीक है ना, दुर्जन व्यक्तियों के चित्त से सज्जनता दूर होती है। चित्तात सताम, यहाँ पे पढ़िए इसको, चित्तात सताम इव, सताम माने सज्जनता, ठीक है, सताम माने सज्जनता, यानी जिस प्रकार बुरे व्यक्तियों के मन से सज्जनता दूर होती है, जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनके अंदर अच्छे गुण बहुत कम होते हैं, सज्जनता बहुत कम होती है, यानी जो बुरे व्यक्ति हैं जिस प्रकार उनके मन से सज्जनता दूर होती है ना, वैसे ही ये अंधकार दूर हो रहा है। ठीक है, और देखिए क्षिप्रम माने तीव्रता से, निशा माने रात्रि, ब्रजति माने जा रही है, च माने और रात्रि उसी तरीके से तेजी से व्यतीत हो रही है, उसी तरीके से जा रही है जैसे, इव माने जैसे यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है, जैसे लक्ष्मी अन उद्यमिना, लक्ष्मी अन उद्यमिना, अन उद्यमिना माने वह व्यक्ति जो परिश्रम नहीं करना चाहता, आलसी होता है, ठीक है, परिश्रम ना करने वाला, उद्यमी माने मेहनत करने वाला और अन उद्यमी माने मेहनत ना करने वाला, यानी जैसे मेहनत ना करने वाले व्यक्ति की लक्ष्मी दूर होती है ना, जैसे मेहनत ना करने वाले व्यक्ति की लक्ष्मी दूर होती है, वैसे ही क्या हो रहा है, ये रात्रि तीव्रता से व्यतीत हो रही है, वैसे ही ये रात्रि तीव्रता से बीती जा रही है और सवेरा हो रहा है। ठीक है,
तो राजा तस्य माने उसको, लक्षम दत्त्वा माने 1 लाख दिए। यानी उसको ध्यान देना, सीता को यहाँ पर प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख नहीं दिए, सीता को पूरे श्लोक का 1 लाख मिला, ध्यान देना ठीक है, पूरे श्लोक का 1 लाख मिला, क्योंकि राजा के हिसाब से ये श्लोक उतना अच्छा नहीं था, छंदों को अच्छे से नहीं बैठाया गया, गाने में अच्छा नहीं था, यानी तर्ज नहीं बनती थी गाते समय, इसलिए राजा जो है ना केवल 1 लाख इनाम दिए, यानी प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख इनाम नहीं दिए, पूरे श्लोक का 1 लाख दिए ठीक है। फिर इतना ही नाम देने के बाद कालिदासम प्राह माने कालिदास से क्या बोलते हैं राजा, कहते हैं सखे यानी हे मित्र, कहते हैं हे मित्र त्वमपि माने तुम भी प्रभातम वर्णय माने सुबह का वर्णन करो, यानी कहते हैं आप भी सुबह का वर्णन करो हे कालिदास। कालिदास भी उनके कवियों में से एक थे ठीक है, और कालिदास भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, आप लोग जानते हैं कितना इनका जो है संस्कृत के सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान है। तो कालिदास ततः माने इसके बाद कालिदासः प्राह माने कालिदास बोले। अब कालिदास सुबह का वर्णन कैसे करते हैं चलो इसको भी देख लेते हैं ठीक है। अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने गुलाबी कलर की। क्या कहते हैं कि हे राजन ये जो पूर्व दिशा है ना ये गुलाबी रंग की हो गई है। रसपति माने चंद्रमा, इव माने जैसे, प्राप्य माने प्राप्त कर लिया है, कनकम माने सोने के समान ठीक है ना, यानी जैसे चंद्रमा ने सोने का रंग प्राप्त कर लिया है। सुबह के समय में चंद्रमा भी हल्का गोल्डन कलर का हो जाता है, सोने की तरह हो जाता है। यहाँ पे दो दो अर्थ निकल रहे हैं ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा रसपति माने चंद्रमा, यानी जैसे चंद्रमा जो है गोल्डन कलर का हो गया है, वैसे ही ये पूर्व दिशा भी जो है ना ये गुलाबी कलर की हो गई है। उसके बाद कहते हैं गतच्छायास चंद्रो माने चंद्रमा की छाया जो है ना चली गई है, चंद्रमा की छाया वैसे ही चली गई है, इव माने जैसे ग्राम में सदस्य माने ग्रामीणों की सभा में, यानी ग्रामीण सदस्यों की सभा में, या कह लो गंवारों की सभा में बुद्धिमान लोग जैसे चले जाते हैं ना, गंवारों की सभा में जैसे बुद्धिमान लोग दूर हो जाते हैं, उस सभा में नहीं रुकते हैं 1-2 मिनट के लिए भी, वैसे ही सुबह होते ही चंद्रमा की छाया चली गई है ठीक है। यानी अब लगभग सूर्य निकलने वाला है। अब आगे कहते हैं क्षण क्षण, क्षणम माने समय समय पर, क्षण क्षण पर ठीक है ना, समय समय पर छीण हो रहे हैं तारा, और ये जो आकाश में दिखने वाले तारा हैं ना ये प्रत्येक क्षण छीण होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं ठीक है, यानी दुबले पतले होते जा रहे हैं। वैसे ही इव माने जैसे अनुद्यमी माने मेहनत ना करने वाले राजा ठीक है ना, नपतय माने राजा, यानी जैसे आलसी राजा छीण होते जा रहे हैं, जैसे आलसी राजाओं का नाश होता जा रहा है ना, वैसे ही ये प्रत्येक क्षण ये तारा जो है ना छीण होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। और ये जो दीपक है ना, दीपा माने दीपक, ना माने नहीं राजंती माने सुशोभित हो रहे हैं, और दीपक सुबह होते ही इसलिए नहीं सुशोभित हो रहे हैं, जैसे ये दीपक जो है ना उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो रहे हैं, इव यहाँ पे छिपा हुआ है ठीक है ना। जैसे द्रविण रहित माने धनहीन, जैसे धनहीन व्यक्ति का गुण होता है, जैसे अगर आप गरीब हैं आपके पास धन नहीं है लेकिन आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं ठीक है, आप बहुत अच्छे आचरण वाले हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके गुणों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपके गुण की प्रशंसा करने वाला नहीं है। वहीं पे अगर आपके पास भयंकर पैसे हैं और आपके अंदर 1-2 गुण भी अटके चारे आ गए ना, यदि अंधे के हाथ बटेर भी लग गए ना, थोड़ा बहुत भी गुण आपके पास आ गए ना, तो भैया आप पैसे वाले हैं, आपकी प्रशंसा करने वाले तमाम लोग आएंगे। और द्रविण रहित का मतलब ये है धनहीन व्यक्तियों के गुणों की जैसे वैल्यू नहीं होती ना, जैसे धनहीन व्यक्तियों का गुण सुशोभित नहीं होता, वैसे ही सुबह होते ही ये दीपक अच्छे नहीं लग रहे ठीक है। उसके बाद देखो राजा अति तुष्टः, यानी राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, राजा ऐसे इस श्लोक को सुनकर के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, और तस्मै माने कालिदास को भी प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिए, यानी हर एक श्लोक में जितने अक्षर आए हैं प्रत्येक श्लोक पर उनको 1 लाख रुपए का इनाम जो है राजा ने दिया। तो यहाँ पे कुल मिला के इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों राजा भोज की उदारता के बारे में आपको जानना कि राजा भोज कितने उदार थे ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना,
मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।